त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नए वोटर वृद्ध महिला निःशक्त पुरुषों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही बिशुनपुर प्रखंड में कुल 124 बूथ थे जिसमें 63.9% मतदान शांतिपूर्ण तरह से संपन्न हुआ। नए वोटर पंचायत से करिश्मा कुमारी, जामुनी कुमारी एवं मतदान के लिए 90 वर्षीय बिरसो उराई अपने पोते के पीठ पर लटक कर 1.5 किलोमीटर खेत के रास्ते बूथ पहुँच कर मतदान किया। उसने कहा कि मेरी उम्र हो चली है, मुझे मतदान का अवसर मिला है। यह मतदान मैंने अपने गांव एवं समाज सहित अपने नाती पोतियों के लिए किया है ताकि गांव का विकास हो और मेरे पंचायत गांव के हर व्यक्ति सुखी संपन्न रहे। वहीं निःशक्त 80 वर्षीय कुंवर मिस्त्री अपने ट्राईसाइकिल में गांव के कुछ युवकों के सहयोग से मतदान केंद्र पहुंचे और अपना मतदान किया। उन्होंने कहा कि यह गाँव का चुनाव है, एक मत भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक वोट के लिए कोई प्रत्याशी हार भी सकता है या जीत भी सकता है, इसलिए मैंने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। वहीं बनालत के बूथ नंबर 116 में 83 वर्षीय बंधिन देवी अपने पुत्र जितेंद्र उरांव के पीठ में सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। जितेंद्र ने बताया कि चुनाव को लेकर वह पूर्व से ही बहुत उत्साहित थी। मेरी माँ का कहना था कि मेरे पसंद का प्रत्याशी के पक्ष में मुझे मतदान करना है, तुम मुझे जैसे भी हो मतदान केंद्र ले चलो, जिसके उपरांत में अपनी माँ को पीठ में बैठाकर मतदान के लिए लाया हूँ। वहीं निशक अगुन लोहरा जैसे कई वृद्ध लाठी टेकते मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मतदान किया। आज पहला वोट दिए हैं हम, वोट देकर हमको बहुत अच्छा लगा। कैसा व्यक्ति को वोट दिए हैं? ऐसा व्यक्ति को वोट दिए हैं जो मेरा गाँव का विकास कर सके। क्या नाम है? करिश्मा कुमारी। अच्छा, पहली बार वोट किए हैं, वोट देकर कैसा लग रहा है? पहली बार वोट दिए मेरा लाइफ में, वोट देकर अच्छा लगा क्योंकि गांव का विकास हो, क्योंकि हम फर्स्ट बार बहुत वोट मार के बहुत खुश हैं, क्योंकि गांव में कुछ विकास अच्छा से हो जाए कह के हम वोट मारे हैं। आपका नाम क्या है? जय मुनी कुमारी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।